राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से लखीमपुर खीरी की खबर। सरकार बनी नहीं के सपा के जिम्मेदारों पर लगने लगे गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में महिला कार्यकर्ता ने लगाए सपा जिला अध्यक्ष रामपाल यादव पर गंभीर आरोप। महिला कार्यकर्ता ने लगाया 1,00,000 रुपए देकर पदाधिकारी बनाने का लगाया आरोप। साथ में महिला ने बताया कि जिला कार्यालय में महिलाओं का कोई काम नहीं है, ऐसा कार्यालय के पदाधिकारी कहते हैं। सपा कार्यकारिणी घोषणा के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। महिला ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को लिखा पत्र, सपा पदाधिकारियों में मची खलबली। जिला संवाददाता राकेश कुमार चक्रवर्ती। मेरी समस्या ये है कि मैं जब अध्यक्ष जी के घर गई, इनका जन्मदिन था, केक वगैरह लेके, मैं 3 महिलाएं थी, एक माई रवीना मिश्रा है, एक पारुल गुप्ता है, एक और हम गए थे अंजलि सिंह। तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा, अध्यक्ष जी मेरा पद बनाए रखिएगा, हमको जिला सचिव बना दीजिएगा। तो उन्होंने पहले तो मेरा ये कहा था, किसी संविधान में नहीं लिखा है कि महिलाएं जिला मेन बॉडी में काम करें। उसके बाद में मैंने इनसे लिखित मांगी तो लिखित नहीं दिया, तो मैंने रिक्वेस्ट की जिला अध्यक्ष जी जी, पैसे की बात ये आई थी, जो पैसा देगा उनको उसको पद देंगे वो। तो मेरे पास पैसा नहीं था क्योंकि मेरे पति बीमार थे, अभी 1 हफ्ता लखनऊ में रहे हैं, मेरे पास पर्चे रखे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग उसकी रखी है। पैसा मांगा गया बस, मेरे से 1,00,000 रुपया मांगा गया। किसने मांगा? महासचिव ने और रामपाल जिला अध्यक्ष। तो मेरे पास पैसा था नहीं, तो उन्होंने मेरे को सदस्य ही बना दिया दोबारा से। क्या मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ? आप लोग देख रहे हो मेरा कितना फोटो निकलता है, कितना मैं काम कर रही हूँ बराबर, लेकिन हमको सदस्य ही बना के छोड़ दिया गया पार्टी में। और उल्टा ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि महिलाओं की कोई जगह नहीं कार्यालय पे। जिन लोगों को पदाधिकारी बनाया गया, पैसा देके बनाया, पैसा देके बनाया गया। कितना कितना पैसा दिया गया? 1,00,000 रुपया उन्हीं लोगों को बनाया गया, उन्हीं लोगों को बनाया गया। मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे को उसी रास्ते पे छोड़ दिया गया कि आप मेन बॉडी में काम नहीं कर सकते हो, आप कार्यालय नहीं आ सकते हो। क्या महिलाओं का मान सम्मान यही है समाजवादी पार्टी में? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप लिखित हमको दे दीजिएगा कि महिलाएं काम नहीं कर सकती समाजवादी पार्टी में। आपका अंजलि सिंह सबसे कहां है सपा में आप जी? सपा में संघर्ष से है भैया,